वेलकम बैक टू योर चैनल टिप टिप्स फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि अब मैं व्लॉग भी बनाने लग गई हूँ साथ ही साथ, तो आई थॉट कि क्यों ना गणेश जी के इस पावन अवसर पर, इस अच्छे मौके पर एक व्लॉग गणेश जी के लिए भी बनाया जाए कि कैसे हम घर पे गणपति बप्पा लेके आते हैं, कैसे स्थापना करते हैं और किस तरीके से हम उनकी पूजा करते हैं। सो ऑन दैट नोट, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट गणेश जी एंड गणपति बप्पा। तो चलिए, अब हम रेडी हो गए हैं फटाक से गणपति बप्पा को घर पे लाने के लिए, एंड नाउ वी आर गोइंग। सो गाइस, हम अपने रास्ते पर चल चुके हैं और मेरे साथ जा रहा है मेरा छुटकू, माई स्मॉल ब्रदर, और हम दोनों जा रहे हैं गन्नू भाई को लेने। ये भी सो हम बेसिकली अभी जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं भाई? रामदेव नगर जा रहे हैं। ये अहमदाबाद में एक जगह है रामदेव नगर, जहाँ पे जनरली बहुत अच्छे अच्छे गणपति बप्पा मिलते हैं। तो हम अभी वहीं जा रहे हैं और लेट्स सी हमें क्या मिलता है वहाँ पे। मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, सो हम और इंजॉय कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं दिन के 3:26 एंड मौसम ऐसा हो रहा है जैसे बज रहे हो शाम के 7। वाओ, हमें गणू भाई भी मिल गए रास्ते में, गणपति बप्पा मोरिया। तो जैसे कि आप शोर से देखते हो, देखिए प्यारे प्यारे गणपति बप्पा है। सो बेसिकली हमारा जो मेन गणपति बप्पा के जो दो तीन पॉइंट्स हम अपने माइंड में रख रहे हैं, वो है कि उनकी सूंड लेफ्ट साइड होनी चाहिए और मूषक राज होना चाहिए और हाथ में मोदक होने चाहिए। तो फाइनली हमको मिल गए, फाइनली वी गॉट गणू भाई। ये रेडी हो रहे घर पे जाने के लिए, गणपति बप्पा मोरिया। चलिए अब हम घर पे भी गणपति बप्पा बनाते हैं, दैट टू बाय इन्वॉल्विंग 9 प्लैनेट्स टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इन आर लाइफ। आटा, आटा रिप्रेजेंट करता है सन को एंड उसके साथ ही हम गंगा जल यूज करेंगे। गंगा जल रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। आपके इमोशंस इंटेलिजेंस के साथ हम आटा गूंदेंगे एंड देन हम हल्दी यूज करेंगे। हल्दी रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, विजडम को। अब इसमें थोड़ा लग्जरी का तड़का लगाने के लिए हम यूज करेंगे घी के साथ, जिसमें हम जिंदगी के सुख चाहते हैं तो सुख के लिए हम शुक्र का घी यूज करेंगे। अब हमने 4 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन तो हमने यहाँ पे ले लिया, अब हम यूज करेंगे रेड मसूर की दाल जो कि मंगल को रिप्रेजेंट करता है। शनि ग्रह के लिए हम लेंगे लौंग और गणपति बप्पा की आंखें बनाएंगे कुछ इस तरह। अब हम लेंगे काली उड़द की दाल जो कि राहु को रिप्रेजेंट करता है, उससे हम गणपति बप्पा के ईयर्स में लगाएंगे और नेगेटिविटी दूर करने में गणू भाई हमारी हेल्प करेंगे। देखिए कुछ इस तरह। ब्लैक एंड व्हाइट तिल जो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हम मूषक राज को सजाएंगे और उससे हम अपने विल पावर भी बढ़ाएंगे। लास्ट हम धनिया के बीज का यूज करेंगे जो कि बुध को रिप्रेजेंट करता है और उससे हम अपने गणू भाई को सजाएंगे। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। किसमें से बनाए हैं? बेसन से है? आटा, आटा से। बहुत बढ़िया, नवकर चीजों के। गणपति बप्पा मुकुट लगा दे। गणपति बप्पा मोरिया। सो फाइनली मंगल मूर्ति मोरिया। सो फाइनली गणू महाराज हमारे घर आ गए। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। एंड साथ ही जो हमने गणपति बप्पा बनाए थे वो ये रे। विघ्नहर्ता, सबके विघ्न हर लीजिए और सबको खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए स्टे ट्यून विद टिप्स फॉर यू एंड टेक केयर, बाय बाय।